हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं किस किस तरीके के क्वेश्चन कराने वाले हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। RPF, SI, कॉन्स्टेबल, UP पुलिस का आपका एग्जाम आने वाला है, तो डेली मैं एक रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं सेपरेट चैप्टर वाइज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा मैथ की वीडियो का भी, रीजनिंग का भी और ऑनलाइन टेस्ट का भी। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो RPF SI का चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं, और अगर बात करूं तो यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को कैसा है ये क्वेश्चन। कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दो गोले बनाएंगे, एक उसमें से अंगूठी का होगा और एक टोपी का होगा, जिनके बीच में कोई भी रिलेशन शो नहीं होगा। यानी कि अंगूठी और टोपी का आपने अलग अलग दो गोले बनाए, तो ये कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, ये इस चीज को शो करता है। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि कुछ बस्ते अंगूठी है, तो कुछ बस्ते अंगूठी कब हो सकते हैं, जब अंगूठी वाले वेन डायग्राम को बस्ते वाला वेन डायग्राम इस तरीके से हल्का सा कट कर देगा, तो कुछ अंगूठी आपके बस्ते हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देख लेते हैं। कथन हमारा हो गया कंप्लीट, एक वेन डायग्राम हमारा बन गया। तो निष्कर्ष में बोला जा रहा है सभी टोपियाँ अंगूठी हैं, तो भाई सभी टोपियाँ अंगूठी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि टोपी और अंगूठी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो क्या कंडीशन बननी चाहिए थी, टोपी के ऊपर को आपका अंगूठी वाला वेन डायग्राम आना चाहिए था, उस कंडीशन में सभी टोपियाँ अंगूठी हो जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं, तो कुछ अंगूठियाँ निश्चित रूप से टोपियाँ नहीं हैं, यानी कि अंगूठी और टोपियाँ, जब कोई भी अंगूठी टोपियाँ नहीं है तो कुछ निश्चित रूप से भी नहीं होंगी, तो बिल्कुल सही यहाँ पे सेकंड वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में नहीं वाला रिलेशन है और इसमें निष्कर्ष भी नहीं वाला ही दिया गया है, तो सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा। समझे आप इस क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कथन और पूर्व धारणाएं से हैं, तो यहाँ पे कथन क्या दिया गया है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, साथ ही साथ आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपसे आता होगा वीडियो को रोक करके ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे, तो यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति को अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बताया गया है उसके जीवन मूल्यों के आधार पर। तो पूर्व धारणाएं क्या क्या है ये आप समझ गए, कथन में क्या बोला गया है। पूर्व धारणा यहाँ पे, शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है, तो बिल्कुल सही है ये, शिक्षा का प्रभाव किसी भी, अगर कोई शिक्षित होता है तो उसका प्रभाव जैसे कथन में बोला गया है उसके जीवन मूल्य पर पड़ता है, तो यहाँ पे जीवन मूल्यों की ही बात की जा रही थी, और यहाँ पे ये बिल्कुल सही बोला गया कि पहला राइट हो जाएगा, शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। समझे आप क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कथन में जो बोला गया है वही चीज़ को आप यहाँ पे मतलब नेक्स्ट स्टेप पे ले जाके वही चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। दूसरे वाला है, एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, तो इसका कोई भी आंसर मतलब राइट नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गलत बोली जा रही है। ऊपर सिर्फ इतनी बात बोली गई कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे, ना कि ये बोला गया कि अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। तो मूल्य होता है या नहीं होता है इस बात पर चर्चा हम नहीं कर सकते, सिर्फ उतने तक ही सीमित रहना है जितना कथन में बोला जाए। तो कथन में सिर्फ जीवन मूल्यों के आधार पर इनको भिन्न किया गया है, जबकि पहले ऑप्शन में बिल्कुल वही बात बोली जा रही है जो ऊपर कथन में बोली जा रही है। तो शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे वाला रॉन्ग हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं, और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 3। इसको ट्राई करिए और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए ये जो सीरीज चल रही है, आपको इस सीरीज में जो भी चल रहा है इसके अंदर ये बताना है, ये फाइंड आउट करना है, मिसिंग जो नंबर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चल रहा है, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको लिखा गया है, ठीक है,
सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई दो में की गई है, यानी कि चार की मल्टीप्लाई दो में की गई, आठ आ गया, पाँच की तीन में की गई, पंद्रह आ गया, और छः की तीन चार में करेंगे, छः चौक चौबीस, तो दो की तीन की और चार की मल्टीप्लाई की गई है। ठीक है भाई, समझ गए आप। सबसे पहले तो इसकी दो में, फिर थ्री में, फिर फोर में, फिर वैसे यहाँ पर किया गया है, इसकी करेंगे टू में तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन, थ्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह या पैंतालीस, तो यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा, और 24 की करेंगे चार में तो आपका हो जाएगा छियानवे। समझ गए ना भाई ये चीज़ आप। फिर नेक्स्ट आप टू की, थ्री की और फोर की करेंगे, तो इसमें टू की करेंगे तो आपका 32, थ्री की करेंगे तो 135, और फोर की करेंगे तो 384। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूँ, इसमें टू की, थ्री की, फोर की, फिर इसमें टू की, थ्री की, फोर की, और फिर इसमें टू की, थ्री की, फोर की, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो जब इसमें थ्री की करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई, ऐसा करता हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, और फोर एक बार ट्राई करिए, और जो भी राइट आंसर आपका आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर फोर, और आप वीडियो को रोक करके ट्राई किया करें भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या चल रहा है, देखिए इसमें रूट चल रहा है, यानी कि रूट 25 किया जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 5, 5 का रूट हो जाएगा, इसको रूट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा, इसको करेंगे तो किसका हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 7 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं किसका स्क्वायर है, ये 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, ये किसका है 6 छंग 36 तो 6 ले लेंगे, ये 7 का है तो 7 ले लेंगे, और ये कितने 4 का है 4 चौक 16 तो 4 ले लेंगे, इन सभी को प्लस करिए 4 7 6 5 को तो 22 आएगा, तो बीच में रख दिया गया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे है 3 3 9 3 ले लेंगे, 1 का 1 ही लेंगे, और 81 है आपका हो जाएगा 9 का, और 2 दूनी 4 2 ले लेंगे, तो 2 9 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, तो इसको प्लस करके देख लीजिएगा 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे करना है, इसको हम लेंगे 8, इसको हम लेंगे 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 12। अब आपको यहाँ पे कितना लें कि जिसका जिसको मतलब हम रूट करें और प्लस करें आपका 16 बन जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 8 64, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब ये कितना हो गया 8 और 3 11 और एक 12। अब यहाँ पे क्या कितना प्लस करे कि 16 बन जाए, आप बताइए कि कितना प्लस करे कि 16 बन जाए, तो सीधी सी बात है भाई 4 प्लस होगा ना। ठीक है, तो 12 में 4 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 16 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब समझ में आया कि कैसे मैंने किया है यहाँ पे, भाई ये 8 हो गया, ये 8 का स्क्वायर है, ये 1 का ही हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखें, जैसे 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे रखेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर को प्लस करना है, तो 3 4 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी कि 16 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कितना आएगा जो क्वेश्चन मार्क है 16। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिए, और राइट आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, जो पुस्तक, उपन्यास और कोश है, इनके बीच में कौन सा वेंडेग्राम सही निरूपित होगा या सही संबंध को दर्शाता होगा वो आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूँ कोश की और उपन्यास की, दोनों को दोनों ही पुस्तक होती हैं, तो आपको एक ऐसा वेंडेग्राम देखना है जो दोनों को कवर करता होगा। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग वेंडेग्राम, भाई उपन्यास अलग होता है, कोश अलग होते हैं, बट है तो दोनों पुस्तक ही, तो इस तरीके का एक वेंडेग्राम बन रहा होगा। तो ये तो तीनों चीज़ों को अलग शो कर रहा है, इसको नहीं लेंगे। फिर बी ऑप्शन एक दूसरे के को कवर कर रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है, यानी कि उपन्यास और कोश दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों के दोनों बुक हैं, यानी कि पुस्तक हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये भी राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप आंसर जरूर दे पाएंगे। यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा, ये वाला बताना है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो इसमें एक तो चल रहा है बी प्लस वन, यानी कि बी से सी, सी से डी और डी से ई, प्लस वन हो गया। फिर यहाँ पे चल रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये आपकी 2 की मल्टीप्लाई हो गई,
और पी से क्यू छोड़ के आर यानी कि प्लस टू चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है बी से सी प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे ई में प्लस वन करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो ये तो सबसे पहला एफ बन गया। फिर तीन दूनी छः, दो की मल्टीप्लाई चल रही है, छः दूनी बारह, बारह दूनी चौबीस और चौबीस दूनी अड़तालीस, यानी कि नेक्स्ट 48 आ गया। और जो तीसरे वाला है उसमें प्लस टू चल रहा है, यानी कि पी में प्लस टू करेंगे आर, आर में प्लस टू करेंगे तो आपका सॉरी टी हो जाएगा, टी में प्लस टू करेंगे तो वी हो जाएगा, और वी में प्लस टू करेंगे तो एक्स, यानी कि एफ 48 एक्स इज़ द राइट आंसर। तो बताइए आपने कितने बच्चों ने ये वाला राइट आंसर लगाया था। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 8 या 9 है, तो जो भी है इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे ये वाली सीरीज आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है तो एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो इसमें बोला जा रहा है 17 से क्या बोला गया 9 बन गया, तो 17 से 9 क्या है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो इसमें डिवाइड हुआ होगा या फिर इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा जो एक से छोटा है। यानी कि 17 में अगर मैं मल्टीप्लाई 0.5 की करूँ तो कितना आएगा 8.5, ठीक है, और फिर 0.5 को ही प्लस कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये 9। तो इसी तरीके की यहाँ पे चल रहा है सीरीज। अब यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट में मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो जब 9 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा और प्लस 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फिर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये वाली, ये अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सारे के सारे PDF आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इनमें सब में सॉल्यूशन होता है क्वेश्चंस का। तो अगर आप खुद ट्राई कर रहे हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट वाले में आपको 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 में 1.5 की करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, तो इसमें सॉरी 14, और 14 में प्लस करेंगे 1.5 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 1.5 की मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस 1.5 करेंगे तो आपका 16.5 हो जाएगा, सीधा सीधा सा ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और प्लस कर देंगे 2 तो 35 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका 33 प्लस 2 बन जाएगा ये। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की, क्योंकि 1.5 से 0.5 बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो 0.25 की मल्टीप्लाई की और प्लस 2.5 कर दिया तो 90 आ गया। तो इसी तरीके के ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप ये सीरीज अगर जानते हैं तो कर लेंगे ईजिली। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस ये क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। अब सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं RPF SI और कांस्टेबल में भी शायद देखने को मिले हैं, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला जा रहा है 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में और समान दूरी बैठे हैं। तो यानी कि जिस क्रम में बोला गया है उसी क्रम में बैठे हुए हैं, ABCD गोल मेज में एक मेज है तो इस तरीके से बैठे हुए हैं वो। अभी और भी देखते हैं पढ़ के। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है, यानी कि इस दिशा में बैठे हुए हैं ABCDEFGH या इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है। यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है, चलिए पहले यहाँ तक बैठा लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये चार दिशाएं आपको बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है दक्षिणावर्त दिशा में, तो दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, दक्षिण की तरफ को उत्तर से बैठेंगे तो इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से जैसे क्लॉक चलती है उसी तरीके से इसमें बैठाएंगे। तो जैसे बैठे हैं वैसे के वैसे ए बैठ गया, BCDEFG ये आपने बैठा दिए। नेक्स्ट लाइन में यहाँ क्या बोला जा रहा है, यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है, तो जी उत्तर में बैठा है इसका मतलब जी यहाँ पे बैठा होगा और सी इसके सामने ये बैठा, तो ये अपनी सीट बदलते हैं, तो सी ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा, इस तरीके से इन्होंने अपनी सीट बदल ली। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है सीट बदलते हैं और बी अपनी सीट एफ से बदलता है, तो बी जहाँ बैठा होगा अपनी सीट एफ से बदलेगा, तो बी यहाँ पे था और एफ यहाँ पे था, तो बी अब यहाँ पे चला जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये अपनी सीट बदल लेते हैं। सीट बदलने के बाद में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है तो अब एफ की दाईं ओर कौन बैठा हुआ है,
तो एफ देखिए कहाँ पे बैठा है अभी। एफ बैठा तो यहाँ पे था बट शिफ्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे बैठ गया, तो एफ के दाई ओर बोला गया है। तो दाई ओर कौन सा हो जाएगा एफ का, ये दाई ओर हो जाएगा क्योंकि फेस अंदर को करके बैठा है। तो अगर फेस अंदर को है तो दाई ये हो जाएगा यानी कि राइट साइड, और लेफ्ट साइड ये हो जाएगी भाई। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई आपको। जब भी गोल मेज पर बैठने की बात की जाती है तो फेस अंदर को ही हो गया, ऑब्वियसली बात है ये। ठीक है, अगर स्पेशल कंडीशन बना के बोला जाता है कि फेस बाहर को बैठे हैं करके, तो वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दक्षिणावर्त यानी कि सॉरी दक्षिणावर्त बोल रहा हूँ, राइट साइड में ये बैठा है ए, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक बहुत ही कम करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बोला जा रहा है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। तो संध्या जो है वो बी ए से बी तक चलेगी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो गई, फिर वह 90 डिग्री पर बाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर तक सी तक चलती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर संध्या ने मान लीजिए ए से बी तक चली है 2 किलोमीटर, अब बोला जा रहा है बाई साइड में वो मुड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि अब बाई साइड कौन सा होगा, आप खुद बताइए। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं अभी बैठे हुए हैं, तो आपका बाई साइड कौन सा है, आपका लेफ्ट साइड कौन सा है। तो जैसे ही आप फेस करके चलते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, ये बाएं होगा ये दाएं होगा। तो आपको यहाँ पे बाएं साइड में मुड़ना है और 8 किलोमीटर चलना है जहाँ पे सी के पास आप पहुँच जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब आपका फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो राइट साइड ये हो जाएगी और लेफ्ट साइड ये हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट लाइन में, सी तक चलता है वह, वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाई ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये फिर बाई ओर मुड़ा है, तो बाई ओर का मतलब है लेफ्ट साइड इसकी ये है, तो यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर। 2 तो ये था, तो इससे तो कुछ ना कुछ आगे ही आएगा, ठीक है ना, समझे आप, इससे इससे कुछ आगे आएगा। तो 5 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, डी तक ये पहुँच गया है, डी तक पहुँच गया, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से 90 डिग्री पर बाएँ मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलता है, तो अब फिर ये बाई ओर मुड़ेगा। अब बताइए इसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो जो आप जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं ना, जो आपका राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, जो आपका दाएं है वो इसका बाएं होगा, जो इसका बाएं है वो आपका दाएं होगा, मतलब कि अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इसका फेस अब इस डायरेक्शन में है। आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका फेस इधर को हो जाए, तो आपका लेफ्ट राइट कौन सा होगा। तो इस तरीके से सोचते हुए क्वेश्चन को करिएगा। तो बाएं साइड में मुड़ा है 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 8 किलोमीटर चला, ई पॉइंट तक ये आ चुका है, ठीक है भाई। तो ई तक आने के बाद में यहाँ पे क्या है, तो ए से ई कितनी दूर पर है ये आपको बताना है। देखिए ए कहाँ पे आपका ये है, ई यहाँ पे है, तो ये 2 किलोमीटर था, ये पूरा 5 किलोमीटर है, तो 5 में से अगर 2 माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना, 3, तो ये अभी 3 किलोमीटर दूर है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज की वीडियो में, तो देखिए इतने ही क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ाई करें उतना ही आप घर के लिए भी क्वेश्चंस ले जाएं, तो क्वेश्चंस आपके डबल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद भी आती है, समझ में भी आती है, तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो मोटिवेट करती है आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। तो ये 6 क्वेश्चन है आपको, जिनका आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो एक बार तो आप ये वाली साइड देख लीजिए और एक बार ये 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी का 6 के 6 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लाइन में देंगे। जो भी 6 के 6 का आंसर लाइन में देगा, मैं उसका लाइक करूँगा उसके कमेंट को, और उसमें रिप्लाई भी जरूर करूँगा, ठीक है।